आप जो भी लाइव विजुअल देख रहे हैं श्रीनगर के लाल चौक के इलाके से देख रहे हैं, जहां पर एक साइड से बीजेपी की एक रैली जो है इनकाद हो रही थी और दूसरी जानब जो है यहां से रोड्स को वहां से जो है ब्लॉक कर दिया गया था। और अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जैम कितना हमें देखने को मिल रहा है और लोग जो है कितना परेशान हो रहे हैं, क्योंकि काफी जो है यहां पर ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वहां से जो रोड्स है उनको बंद कर दिया गया है। और जब हमने स्पोक्स पर्सन से बात की तो उन्होंने बताया कि डायवर्जन रखा हुआ है, लेकिन पिछले 20 मिनट से यहां पर जो है ये ट्रैफिक जाम हमें देखने को मिल रहा है। और आज अगर हम बात करें, आज मंडे है और आज स्कूल का भी रश होता है, आज ऑफिस का भी रश होता है और साथ ही साथ आज कारोबारी इदारे भी खुलते हैं और मंडे जो है काफी बिजी होता है लाल चौक के इलाके में। हम ये नहीं बोलते कि आप लोगों को ये दिवस नहीं मनाना था, लेकिन लाल चौक का बिजी इलाका ही उसको पकड़ना और वहां पे मनाना काफी मुश्किलात जो है लोगों को उठाने पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं पिछले 20 मिनट से यहां पर जो है ट्रैफिक जाम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि आगे अगर थोड़ा सा निकल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आगे ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा आगे लग रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का भी कोई नामो निशान हमें नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर लोग ही खुद ही यहाँ पर जो है ट्रैफिक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि इस साइड से ट्रैफिक है, उस साइड से जो है काफी कम ट्रैफिक है। आप उस साइड से भी देख सकते हैं कि कितना ट्रैफिक जाम है और ये गाड़ियां जो है अमीरा कदल गोनी खान और मेन लाल चौक से बाहर आते हैं, लेकिन वहां से जो है रोड्स ब्लॉक हमें देखने को मिल रहे हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि लोग कितना परेशान हो रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस यहां पर कहीं पे हमें नहीं देखने को मिल रही है और यहां पर लोग खुद ही अपना ट्रैफिक जो है अपना रास्ता जो है साफ कर रहे हैं। लाल चौक का इलाका जो कि सबसे बिजी इलाका माना जाता है, मंडे है आज, स्कूल का रश, कॉलेज का रश, उसके साथ साथ कारोबारी रश और ऑफिस का रश और उसके साथ ही यहां से रोड को ब्लॉक करके रखा है अमीरा कदल गोनी खान और लाल चौक के चाहे कितने भी छोटी छोटी गलियां हैं उनको ब्लॉक करके रखा है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जाम कितना ज्यादा है और लोग जो है खुद ट्रैफिक निकालने की कोशिश कर रही है और ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पे नामो निशान नहीं है। अब अगर इस दौरान एम्बुलेंस स्टक हो जाती है या कोई ऐसा अलील पेशेंट स्टक हो जाता है तो कैसे चलेगा। लाइव विजुअल्स देख रहे हैं लाल चौक के, जहां पर ट्रैफिक काफी ज्यादा है और उस वजह से जो है लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाल चौक गोनी खान और उसके साथ साथ अमीरा कदल के इलाके जो है बंद कर दिए गए हैं, रोड ब्लॉक्स कर दी गई है। वहां पर कोई भी डायवर्जन हमें नहीं देखने को मिला, जो कि वहां पे बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने हमें बताया कि डायवर्जन है, लेकिन ऐसा कोई भी डायवर्जन हमें देखने को नहीं मिला। बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जाम कितना है और लोग जो है खुद ही ट्रैफिक को यहाँ पे बाहर निकाल रहे हैं। मैं फिर से बताती चलूँ कि ट्रैफिक पुलिस से यहाँ पे कोई नामो निशान हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये है हमारा नया कश्मीर, हमें ट्रैफिक जाम्स भी देखने को मिल रहा है, वो भी बिजी लाल चौक के इलाके में, जहां पर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और खुद अपने रास्ते निकाल रहे हैं। देखते रहे जेके न्यूज़ पॉइंट।